अगर आपकी मारुति इको कार का स्लाइडिंग डोर का नीचे का बेरिंग खराब हो चुका है तो इस बेरिंग को आपको किस तरह से बदलना है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको ऐसी एक नई बेरिंग खरीदनी है और इस रिविट को इस तरह से कट करना है ग्राइंडर की मदद से। रिवेट को रिमूव करने के बाद इस तरह से आपको उसको पंच की मदद से बाहर निकालना है और उसका एक वाइसर जो होता है बीच में उसे निकाल कर साफ कर कर नई बेरिंग के बीच में जैसे था वैसे रख देना है। इस रिवेट की जगह पर आप बोल्ट भी ले सकते हो। नई बेरिंग और वाइसर रखने के बाद आपको इस तरह से रिविट को क्लैंप में बिठाकर ऊपर एक पैकिंग रखना है वाइसर का और इस रिविट को इस तरह से आपको कट लगाकर उसको हैमर की मदद से बिठा देना है। बेरिंग के नंबर के लिए आप मुझे ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये बेरिंग नहीं बदलना है तो आप गुडमो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस क्लेम को ऑनलाइन घर पर मंगवा सकते हैं। ये उस क्लेम का पार्ट नंबर है। ये पार्ट नंबर आपको डालना है गुडमो एप्लीकेशन खोलकर। तो इस क्लेम की प्राइस है 460। अभी अगस्त 2022 की मैं बता रहा हूँ प्राइस। इसे आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। डोर के कोई भी पार्ट्स के लिए आप ये गुडमो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।